हेलो गाइस, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में फिर मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। क्लास ट्वेल्थ में जो एमसीक्यूज है बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में आते आए हैं और इस बार भी इनकी आने की बहुत ढेर सारी संभावना है। बहुत रिसर्च के बाद ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते हैं, तो इन बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए यार एक लाइक कर दो और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बोलता है कि मानव कल्याण में रोगाणुओं के, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपका मानव कल्याण और रोगाणु, मतलब कि ह्यूमन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है, जो बच्चों आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो किससे उत्पादित की जाती है, तो इसका सही आंसर है नंबर घा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, इससे ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से उत्पादित की जाती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस या लेप्री के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टीबी किससे प्राप्त की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दूसरा क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किस खेत में किया जाता है, गेहूं में, मक्का में, धान में, गन्ना में, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है नंबर गा, धान में। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा काई लग जाती है, या काई लगाने के लिए हम एक साइनोबैक्टीरिया का एक डिब्बा लाते हैं खरीद के मार्केट से, उसको डाल देते हैं उसी में वाटर पानी के साथ, तो उसमें पूरे में काई हो जाती है, और काई अच्छा स्रोत माना जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरित करता है, भूमि को उर्वरक बनाता है, तो साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किस में किया जाता है, धान में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी है, जो बच्चों माइकोराइजा होता है ना, माइकोराइजा ये कवक होता है और ये क्या करता है, ये पौधे की जड़ में रहता है, और माइकोराइजा को चाहिए फास्फोरस, क्या चाहिए, फास्फोरस, इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है नंबर घा, माइकोराइजा को क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए। अगर माइकोराइजा को पेड़ फास्फोरस देता रहेगा तो माइकोराइजा पेड़ को पानी और खाना देता रहेगा, ठीक है, पेड़ को माइकोराइजा, अगर पेड़ माइकोराइजा को फास्फोरस देगा तो माइकोराइजा उसको बदले में क्या देगा, खाना और पानी देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि निद्रा रोग किस जंतु से होती है, निद्रा जो हम लोग नींद आती है वो किस जंतु के कारण, जो निद्रा की मेडिसिन लेते हैं ना अल्फ्राक्स वगैरह, ये सब चीजें मतलब कि कहीं से ली जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल लैब में बना दी जाती, नहीं, ली जाती है, पेड़ पौधे से ली जाती है, किसी जंतु से ली जाती हैं, तो निद्रा रोग जो है पहला है युगलीना, गलत, युगलीना से ली जाए, प्लाज्मोडियम तो यार मच्छर है, मच्छर से ली जाएगी, कभी नहीं ली जाएगी। इसके बाद ट्रिपैनोसोमा, ये जो बच्चों ट्रिपैनोसोमा है घनम, ये स गा नंबर आपका, ट्रिपैनोसोमा से ली जाती है निद्रा रोग की मेडिसिन, ठीक है। आगे चले, आगे चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, बच्चों चिकनगुनिया ये पता है, एक हमारे दोस्त हैं उनको चिकनगुनिया हो गया था, तो हम लोग पहले ही जानते थे चिकनगुनिया क्या होता है, क्या ज़्यादा मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था, मस्त रहते थे अपन लोग, है ना। देखो चिकनगुनिया क्यूलेक्स से होता है, नहीं, क्यूलेक्स से कौन से होते हैं, देखो चिकनगुनिया होता है एडीज मच्छर से, किससे होता है, एडीज मच्छर से। तो अब बात करें कि क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर से आप लोगों ने सुना होगा एक बीमारी थी जापानी इंसेफेलाइटिस जो है वही होती है क्यूलेक्स मच्छर से, बाकी एडीज होता है चिकनगुनिया हो गया जैसे, है ना, और ये आपका येल्लो फीवर चिकनगुनिया, और एनाफिलीज से क्या होती है, एनाफिलीज जो मच्छर है इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे हो गया आपका डेंगू हो गया मलेरिया हो गया, है ना, आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, नहीं सॉरी देखे सही है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, है ना। तो जो मादा एनाफिलीज से आपको हो गया मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक है, क्या होगा बच्चों, मलेरिया होगा एनाफिलीज से और होगा फाइलेरिया, याद रखना। देखो मादा एनाफिलीज से होगा फाइलेरिया और मलेरिया, और चिकनगुनिया एडीज मच्छर से होगा चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, और क्यूलेक्स मच्छर से जापानी एंसेफेलाइटिस। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा नहीं है,
ठीक है, कौन सा ऐसा बीमारी जो वायरस से नहीं होता, पोलियो पोलियो वायरस से होता है, चेचक चेचक भी वायरस से होता है, एड्स एड्स भी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, ठीक है। अब बात करते हैं टीबी, तो जो टीबी है, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है। तो आज के थे ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी बायोलॉजी में आप लोग करते रहिए और मैं आपके साथ हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत